नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। यहाँ देख सकते हैं मनोज कुमार साहू ने कमेंट किया है, भैया जी पेज मेकर का कलर पैलेट में 7 कलर के अलावा और बढ़ा सकते हैं कि नहीं, अगर बढ़ा सकते हैं तो बताइए प्लीज़। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा मनोज जी कि हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो उससे पहले मैं मनोज कुमार साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि कलर पैलेट में 7 कलर्स के अलावा और कलर हम लोग बढ़ा सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और चलिए मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ जिससे आप कलर बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में ये कलर पैलेट आप लोगों को दिख रहा होगा और मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस कलर पैलेट में कलर बढ़ाने का, दो तरीका बताऊंगा। जो लोग नए हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं। तो फिलहाल मैं इस कलर पैलेट, अगर आपके ये कलर पैलेट शो नहीं हो रहा है तो इसे लाते कैसे वो दिखा देता हूं मैं पहले। तो उसके लिए ये जो मेन्यू बार है, यहाँ विंडो में जाइए, जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल जे शॉर्टकट भी है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप यहाँ शो कलर्स में क्लिक कर दीजिए तो ये कलर पैलेट यहाँ पे आ जाएगा। अब जो आपने सवाल किया है कि इसके अलावा 7 कलर्स के अलावा, देखिए 8 कलर्स है, तो इसके अलावा अगर और कलर्स अगर बढ़ाना है तो क्या तरीका है। तो पहले सिंपल सा मैं तरीका आपको दिखाता हूँ। पहला तरीका वो यह है कि यहाँ पे इस कलर पैलेट में अगर थोड़ा नीचे अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए दो आपको बटन दिखाई देगा, एक आपको डिलीट करने के लिए, दूसरा है आपका ये न्यू कलर के लिए। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ देखिए कलर ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स इस तरह खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर नेम अभी कुछ नहीं है, यहाँ टाइप स्पॉट, उसके बाद आरजीबी मोड दिया हुआ है, यहाँ देखिए लाइब्रेरीज, ये देखिए लाइब्रेरी का एक आपको ये बॉक्स दिखाई देगा, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर का, यहाँ पे लाइब्रेरीज में बहुत सारे कलर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे फोकल टोन दिया हुआ है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए फोकल टोन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कलर्स प्लस इसके नाम भी यहाँ पे आपको देखिए 1082 ग्रीन, जैसा आपको कलर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका, देखिए ये आपका हॉरिजेंटल, देखिए स्क्रॉल करने के लिए इतने सारे कलर्स है जो आपको पसंद है। जैसे मान लेते हैं ये कलर मेरे इस पैलेट में नहीं है तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम भी आ गया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये कलर यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं 1125। फिर से मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, फिर से देख लीजिए एक बार। सिंपली है इस कलर पैलेट पर नीचे देखिएगा, कलर पैलेट के ठीक नीचे ये न्यू कलर के लिए है, इस पर क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक कीजिए, कलर ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइब्रेरीज दिख रहा होगा, इसके इस डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। अब मान लेते ग्रे कलर्स, यहाँ पे ग्रेज है, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे, आप जो आपको अच्छा लगे चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आप इसे आजमा के देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेज में अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए ग्रे से रिलेटेड देखिए कितने सारे कलर, जैसे आपको सेट कभी कभी ऐसा बहुत काम आता है ग्रे टाइप का, इस तरह कलर के लिए डिज़ाइन के लिए, तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली इस पर जैसे 42% ग्रेज दिया हुआ है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए, फिर ओके पे क्लिक कीजिए दो बार, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए आ गया ये कलर, देख सकते हैं कितने कलर की संख्या यहाँ पे बढ़ गया। तो जितना आपको कलर आपको लेना है ले सकते हैं। प्लस ये एक तरीका मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कलर लाने का, दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे जो मेन्यू बार है इसमें चले जाइए, यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज़ के इस मेन्यू पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा नीचे आएंगे देखेंगे डिफाइन कलर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, डिफाइन कलर का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जितने कलर्स है यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है वो कलर्स, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए तो सेम उसी तरह का कलर ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो पहले मैंने दिखाया। देखिए लाइब्रेरीज है, टाइप है, नेम है, उसी तरह फिर लाइब्रेरीज में चले जाइए, उसके बाद दूसरा अगर चूज़ करना है यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लेते ये वाला कलर पैंटोन बोल के है, इस पर क्लिक कर दिया, देखिए उसके बाद इसको स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे कलर्स हैं, देखिए यहाँ पे येलो ग्रीन टाइप का सेट दिया हो, जैसा आपको चाहिए क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे कलर वो आ गया, देखिए यहाँ पे वो कलर आ गया, देखिए बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आ गया। अगेन एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे यूटिलिटीज़ मेनू में जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए, डिफाइन कलर्स में जाइए,
उसके बाद डिफाइन कलर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लाइब्रेरीज का इस बटन पे, डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे कलर्स हैं, आपको जैसा लेना है यहाँ से क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कलर्स, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, वैराइटीज़ है, सेट में आपको कलर मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके पे तीन बार यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे वो सारे कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो नया कलर्स मैंने, देखिए यहाँ पे ये देखिए सिंपल ये कलर्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। तो ये सिंपल तरीका है, दो तरीका मैंने आपको दिखा दिया, एक पहला यहाँ से ला सकते हैं सेम, दूसरा यूटिलिटी से जाके डिफाइन कलर से हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो सेवन कलर्स के अलावा भी बहुत सारे कलर्स आप पैलेट में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको मनोज कुमार साहू जी को समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।